साहब मैं धर्मराम ने हाथ जोड़ती हूँ, एक एक बार मारी को समझा देगा। छुओ मत मुझे, अपने इन गंदे हाथों से मुझे हाथ मत लगाना। जिसे तुमने उसे निकलो मेरे घर से बाहर। Just get out. तुम जैसी लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अयान, ये क्या तरीका है बात करने का? तेरी बीवी है ये। अपने गुस्से पे काबू रखो अयान, ये कोई तरीका नहीं अपनी बीवी से बात करने का। मेरे आयु को गलत बर्ताव करने पे मजबूर किया है तूने फालतू। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। बंद करो ये रोना सविता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि फालतू ऐसा कुछ भी कर सकती है। अरे ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। मैं जानती हूँ वो सपने में भी ऐसा कुछ करने का सोच नहीं सकती है जिससे इस परिवार को परेशानी हो। मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ और बात होगी। हाँ दीदी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। दादी आप इस लड़की पे अंधा विश्वास कैसे कर सकती है जब सारे सबूत इसके खिलाफ है। अगर ये बेगुनाह है तो कहिए ना इसे कि अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाए। है कोई सबूत? नहीं ना, तो निकलो यहां से बाहर। बाहर निकलो मेरे घर से। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं ही तुम्हें इस घर में वचन देकर लाया था ना, आज उन्हीं वचनों से हमारे इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से मेरा दिन, मेरी रात, सब कुछ तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होगी। इस पहले फेरे के साथ मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मेरा दिन, मेरी रात, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। मैं तुम्हारे बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिस जगह तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, हमारे रिश्ते की इज्जत नहीं होगी, उस जगह मेरी इज्जत के भी कोई मायने नहीं होंगे। दूसरा वचन, हमारे जिस पवित्र रिश्ते की इज्जत उछालने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, आज उसी रिश्ते की कसम खाकर कहता हूं, अब से मेरी जिंदगी में तुम्हारे कोई मायने नहीं रहेंगे। इस तीसरे फेरे के साथ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इस तीसरे फेरे के साथ मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं होगा। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तुम जियो या मरो। मेरा चौथा वचन है कि जिंदगी भर मेरे लिए तुम्हारी खुशियां सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। आज तुमने मुझे जितनी चोट पहुंचाई है ना, आज के बाद मेरे दिल से कभी तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ नहीं निकलेगी।
वचन देता हूं मैं, मेरा ये हाथ थामने के लिए तरस जाओगी तुम, और जिसके लिए तुमने मेरा हाथ छोड़ा ना, वो तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगा। और इस छठे फेरे में मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारे छोटे से छोटे सपने को पूरा करूंगा। वादा करता हूं तुम्हें दुनिया की बेस्ट क्रिकेटर बनाऊंगा मैं। और इस छठे फेरे के साथ मैं वचन देता हूं तुम्हारा क्रिकेटर बनने का सपना आई मेक श्योर। क्रिकेटर बनना तो दूर, मेरे होते हुए तुम क्रिकेट पिच पर कभी पांव तक नहीं रख पाओगी। और इस सातवें फेरे के साथ मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज तक तुमने मेरे लिए जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं उसके बदले मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। इस रिश्ते को खत्म करने वाले इस आखिरी फेरे में मैं वचन देता हूं, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूं, आजाद करता हूं, आज से तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए खत्म। अब तुम जितने मर्जी चाहे कुछ छर्रे उड़ा सकती हो उस शहान के साथ। बस मार साहब, बस। बहुत बोल लिया थे ने और बहुत सुन लिया मैंने, अब ना हिम्मत कैसे हुई थारी? थारे को किसने हक दिया हमारे चरित्र पर लालचन लगाने का? क्या लगता है थारे को पति हो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोलोगे और मैं कुछ ना बोलूंगी? सबूत चाहिए ना थारे को हमारी बेगुनाही का? जाओ, ना देती। तुम्हारे लिए मैं अग्नि परीक्षाओं को पार करके अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगी। मैं फालतू सिंह, अगर मारे को सच के साथ खड़ा होना आता है ना तो गलत को मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। अरे क्या ना किया मैंने तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया इस पूरे परिवार के लिए मैंने? उसके बाद भी शनाई की जगह क्रिकेट खेलने पर थेने मारे पर इल्जाम लगाए, तब भी मैं चुप रही। थेने मारे को क्रिकेट एकेडमी से बैन करा दिया, तब भी मैं चुप रही, मैंने कुछ ना कहा। और मारे चरित्र पर कोई दाग लगाए इतना हक मैंने किसी को ना दिया, अपने पति को भी ना। ते पहली बार मारे साथ ऐसा ना कर रहे हो? ते पहले भी कई बार ये कर चुकी हूँ मारे साथ, कभी उस डॉक्टर अजीत के साथ तो कभी विशाल के साथ, तैने हर बार मारा नाम गलत छोड़ा। पर गलती थारी ना है, बेवकूफ तो मैं थी जो मैंने थारे को पहले ना रोका। अगर पहले रोक दिया होता ना तो आज थारी हिम्मत इतनी ना बढ़ती। पर अब बस बहुत हो गया, मारी माता रानी जाने मैं सही हूं तो हूं, थारे को ना मानना है तो थारी दिक्कत है, मारे को उससे कोई फर्क ना पड़ता। तह इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो ना? अरे तह के तोड़ोगे इस रिश्ते को, मैं तोड़ती हूं इस रिश्ते को। फालतू, फालतू बेटा ऐसा मत करो प्लीज, ऐसे फैसले गुस्से में नहीं लिए जाते बेटा। हाँ हम बैठ कर बात करते हैं ना, प्लीज। ध्यान समझने की कोशिश कर, तू सब कुछ बर्बाद कर देगा, मत कर, ऐसा बंद कर दे इसे। बेटा शादी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और बातचीत से बड़ी प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। प्लीज भाई ऐसा मत करो,
जिस रिश्ते में विश्वास ना बचा हो ना, उसमें कुछ ना बचता। जब इन्हें मारे कहने से ज्यादा अपनी आंखों देखी चीज पर विश्वास है ना, तो फिर वही सही। मारे को अब किसी को कोई सफाई ना देनी है, जो समझना है समझो। ऐसा मत करो फालतू बेटा, रिश्तों में तो गलत फहमियां होती रहती है बेटा, उसे दूर करना चाहिए, ना कि ऐसे छोड़ के चले जाना। शादियां ऐसे नहीं टूटा करती। अयान, मंगलसूत्र वापस कर दो फालतू को। तुम्हें सच में लगता है कि ये सब नाटक करके तुम खुद को सही साबित कर लोगी? सच ये है फालतू कि आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, और तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम सच को एक्सेप्ट कर लो। आखिर यही तो चाहती थी ना तुम, उस रिश्ते से आजादी। ये है फालतू कि आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम सच को एक्सेप्ट कर लो। फालतू तुम क्या कर रही हो तुम? भीग जाओगी इधर। मान सब है भी ना, मुंबई में हमारी पहली बारिश है, खरा बंदू कर रहे इसमें भीगने का और मस्ती करने का। अरे पातु भीग जाओगी तो बीमार हो जाओगी, इधर आओ। ना मान सब भाई, तुम मजे करना। पातु अरे पागल हो गए हो क्या? हाँ है, बड़े समझदार हो गए हो। अरे बारिश बचने की चीज थोड़ी ना, इसे तो खुल कर महसूस करना चाहिए। लाओ अपना हाथ, करो महसूस। Thank you.
जैसी लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेती ना मुझसे, खुद को बेच के तुम्हारी डिमांड पूरी करता। मारे को प्यार करना सिखाया, प्यार का मतलब सिखाया, कभी ना सोचा था कि एक दिन वो मारी को नफरत के मायने भी बता देगा। कैसे कोई इंसान इतने दिनों में इतना बदल सकता है? कैसे? कैसे तुम मेरी आंखों के सामने इतना बदल गई और मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे प्यार का पर्दा इस कदर मेरी आंखों के सामने था कि मुझे तुम्हारी असलियत दिखी ही नहीं। तुम्हारी गति नहीं होती तुम मेरी। It's all my fault. जानती हो तुमसे ज्यादा ना उस पर गुस्सा आ रहा है मुझे। पहली बार तारा नाम याद कर कर मारे को प्यार की जगह गुस्सा आ रही है मार्ट साहब, गुस्सा आ रही है। अच्छा है तारे लिए मारी ये नफरत ही मारा हथियार बने की। मैं टूटूंगी ना मार्ट साहब, और ना ही थारे को मौका दूंगी अपनी बर्बादी पर हंसने का। मैं थारे को ये साबित करूंगी मार्ट साहब कि थारे बिना भी एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ और अपना सपना भी पूरा कर सकती हूँ। थारे लिए क्रिकेट छोड़ा था ना मैंने, अब थे ही वो वजह बनोगी जिसकी वजह से मैं उससे वापस जुड़ूंगी। अपना सपना मैं पूरा करके रहूंगी, सबके साथ साथ थारे को भी दिखा दूंगी कि फालतू सिंह कैसे फालतू से अनमोल बनेगी। देखना वो दिन ना बहुत जल्द आवेगा मार्ट साहब, और तब थे अपने किए पर बहुत पछताओगे और ये मारा वादा है तारे से। मैं हार ना मानने वाली। ये बारिश जिसे तुम प्यार का मौसम कहती थी, याद है तुम्हें? बारिश की इन बूंदों को महसूस करना भी तुमने मुझे सिखाया था, और यही बारिश की बूंदें मुझे आग की तरह जला रही हैं। क्या भगवान जी क्या कर रहे हो आप? मेरा मजाक बनाने का एक मौका नहीं छोड़ते आप। एक तरफ वो फालतू उसके साथ बारिश में झूम रही होगी, और यहां मैं प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।